पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा बसपा गठबंधन द्वारा लोकसभा सीट संबल से बनाए गए प्रत्याशी पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वक्र का आज फिर से एक विवादित बयान आया है। उन्होंने आज फिर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का खुलकर विरोध किया है। पूर्व सांसद ने कैमरे के सामने जोर देकर कहा कि वो आज भी वंदे मातरम का पुरजोर विरोध करते हैं। विदित हो या पिछली सरकार में सांसद में चल रहे राष्ट्रगीत का विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद से डॉक्टर फकीरुर रहमान वक्र निशाने पर आ गए थे और देश के विभिन्न संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया था। आज डॉक्टर वक्र मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय पहुंचे थे और सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को दुश्मन पार्टी बोलते रहे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप वंदे मातरम में तो विश्वास नहीं करते, फिर क्या संबल में जातीय राजनीति करने जा रहे हैं, तो वो अपना पक्ष रखते हुए बोले कि वो सपा बसपा गठबंधन की नीतियों पर लोगों से वोट मांगेंगे। आपने पिछला चुनाव दूसरी पार्टी से लड़ा था, अभी आप कहाँ हैं और क्या लगता है कि गठबंधन से क्या बाहुल रहेगा संबल का? कौन सी पार्टी से लड़ा था? पिछली बार एक चुनाव लड़ा गया था। अरे पिछली दास्तान छोड़िए, मैं तो मेरा सवाल है ना, मैं कुछ नया क्या होगा पूछ रहा हूँ, नया क्या होगा, नया क्या रहेगा? नया तो आपके सामने जो हालात है। अरे भाई, हम बीजेपी को हराने के लिए और बीजेपी के जुल्मों से निजात पाने के लिए हम सब मिलकर अपोजिशन काम कर रहा है आमतौर से। अभी आपने एक बात ये कहा है दुश्मन पार्टी, क्या पार्टी में दुश्मनेबाजी है कि विरोधी तो नहीं? नहीं कहा दुश्मन पार्टी, दुश्मन पार्टी नहीं, दुश्मन तो, अरे जो हमारा मुखालिफ है दुश्मन तो है ही, बीजेपी को कहा हमने, वो तो है ही बीजेपी का नाम। जो देश की पार्टी जो वर्तमान में राज कर रही है, जिस चुनाव को राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ रही है, उन्होंने नारा दिया है कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर हैं। आपका एक विवाद रहा है वंदे मातरम से संसद में लेकर, हाँ रहा है, हाँ। क्या आप उस पर अभी भी कायम है कि राष्ट्रवाद? बिल्कुल अब भी कायम है, मैं वंदे मातरम का अभी खिलाफ हूँ। इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, आई कैन नॉट फॉलो इट। जो संबल का चुनाव होगा, जाति समीकरण से होगा, कैसे होगा? नहीं जी, वो पार्टी की बुनियादों पर होगा। नहीं भी आपने कहा इस्लाम की बात करी तो अरे यार, जब कोई मसला आएगा तो मैं मतलब ये कि वही जो वंदे मातरम का, उसी पर अब भी कायम हूँ और कायम रहूँगा। एक सवाल, लास्ट सवाल है, किसी भी सांसद के लिए क्या उम्र, क्या कोई नियत होनी चाहिए संसद, कोई लोकसभा में कोई ऐसा बोलाना चाहिए कि नियम आना चाहिए? नहीं तो हाँ, नहीं मेरा सवाल है सबके लिए है, क्या कोई एज लिमिट कर देनी चाहिए क्या? मेरा सवाल है, नहीं लिमिट की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, उस इंडिया उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। क्या उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है क्या? आप दो तीन बार सांसद रहे हैं, क्या उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ अभी तो कोई अमेंडमेंट की जरूरत है नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय ये यहाँ पर है, इसके बाद में संबल में आपके एक विरोध चल रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, क्या कहें, कैसे चुनाव लड़ा जाए? कहाँ कर रहे हैं कोई हमारे यहाँ तो को इंशाल्लाह 99% आदमी संबल के मेरे साथ है। जो अगर पार्टी का आदमी कोई विरोध कर रहा है वो अपनी जाति दुश्मनी की बिना पर कर सकता है, लेकिन मुझसे किसी को कोई विरोध नहीं, और ना मैं कोई, मेरी लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की है भाई, हाँ हिंदू भाई भी हमारे इस मुल्क के हैं, उनकी भी हम इज्जत करते हैं, उनका कोई ये इंसानी कोई मसला है, सोशल मसला है, उनके साथ कोई जाति जुल्म हो रहा है तो हम उनका भी साथ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो है मैं भी चौकीदार हूँ के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में सभी लोगों को चौकीदार की तरह खड़ा करेंगे। किसने कहा? मैं भी चौकीदार हूँ एक नारा, ये तो जो लोग दे रहे हैं अभी, मैं तो अभी इस नारे की तरफ मैंने कोई तवज्जो नहीं, कितना सही मानते हैं मैं भी नहीं, तो इसकी क्या जरूरत है अभी सही है या मुझसे मालूम करने की, मुझे तस्दीक करने की, जैसा इलेक्शन में हालात आएंगे वैसा काम करूंगा। हमारे देश के वरिष्ठ सांसद रहे हैं, वरिष्ठ सवाल कर रहे हैं, एक सांसद होने के नाते अगर एक राय ली जाए तो क्या कहें? ना तो इस वक्त अभी राय की इसमें इस वक्त जरूरत क्या है, इलेक्शन की राय पूछिए कि इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या कैसे लड़ा जाएगा। अभी मुरादाबाद का टिकट फाइनल नहीं हुआ, क्या कहें? नहीं अब वो तो देखिए पार्टी की पॉलिसी की बात है, जो हाई कमांड है इसका वो फैसला करेगी।
हम इसमें कोई दखल नहीं। अच्छा, इससे पहले टिकट जो संबल पे था किसी और के खाते में जा रहा था, लेकिन उसके बाद में आपको ये टिकट हुआ, क्या कहें, ये रसूख की बात है। ये तो पार्टी का हाईकमान जाने, उन्होंने मुझे क्यों दे दिया, मुझे क्यों दिया, उन्हें क्यों ना दिया।